हरे कृष्णा। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं कि भला शादी करें तो किससे करें, क्या ऐसी चीज़ हमें देखनी चाहिए सामने वाले के अंदर कि मैं उसको चूज़ करूँ कि मैं उससे शादी करूँगा, ऐसी भला क्या क्वालिटीज़ हैं। अक्सर ज़्यादातर हमने देखा है कि आज के समय में लोग शादी करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो कि सुंदर हो। जैसे लड़के देखेंगे तो लड़की देखेंगे जो कि बड़ी सुंदर हो, जिसके रेशमी बाल हो, गोरी चिट्टी हो, ऐस सोनी कुड़ी है, ऐस सोनी तो मैडम माहीवाल जी। ओह, क्या लड़कियां हैं वो भी लड़कों में ये देखती हैं कि जिसका सिक्स पैक हो, बॉडी शॉडी हो, आज जी क्या बात है, माँ मुझको तो यही चाहिए। तो आज के समय में सबसे अधिक जो चीज़ मैटर करती है वो है फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस का हमने अचार डालना है। फिजिकल अपीयरेंस कोई सुंदर बहुत दिखती हो या बहुत ही हैंडसम दिखता हो, ये कितने समय चलने वाला है? ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमको देखनी चाहिए किसी के अंदर वो है वैल्यूज़। उस व्यक्ति के अंदर वैल्यूज़ कितनी है, भले व्यक्ति छोटा हो, नाटा हो, या फिर वो इतनी सुंदर ना भी हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यू सिस्टम। और वैल्यू सिस्टम में क्या क्वालिटीज़ आती हैं? एम्पथी। हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना ज़्यादा एम्पथेटिक है। एम्पथेटिक का मतलब होता है कि ना, सामने वाले के भाव को समझने के लिए उसके जूतों में आ जाना, उसको बोलते हैं जी एम्पथेटिक। अच्छा, आई कैन बी इन योर शूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अच्छा 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 अच्छा, जो सामने वाले की भावना को समझ जाए। ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब कपल्स होते हैं, अपने अपने में खोए हुए हैं, उनकी लॉन्ग लास्टिंग मैरिजेस नहीं होती। तो इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ एम्पथी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पथी क्वालिटी को समझ सकते हैं भला। जैसे मेरी माँ ने मुझे चेस खेलना सिखाया, तो मेरी अक्सर माँ जब चेस खेला करती, तो एक समय मेरी माँ ने कहा, तो बेटा तो आज तू चेस कैसे खेल रहा है? मैंने कहा, आई थिंक माँ मैं तो आज बहुत अच्छी खेल रहा हूँ, आज मैं आपको हरा दूंगा। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा जरा इधर आ। फिर मेरी माँ ने कहा कि आज चेस बोर्ड की अपनी और जो है मुझको लेकर के आई। और फिर मेरी माँ ने जो है दिखाया, चेस बोर्ड दिखाया। फिर मेरी माँ ने कहा, देख तू ऐसे भी मर सकता है, ऐसे ही मर सकता है, तो कौन सी मौत मरना चाहेगा? ऊँट के मौत मरना चाहेगा, या हाथी की मौत मरना चाहेगा, या वजीर की मौत मरना चाहेगा, तो किसकी मौत मरना चाहेगा? या पैदे से तेरे को मार दूँ? सो मैं अपनी तरफ से जब चेस बोर्ड को देख रहा था, मैं तो देख रहा था कि मैं तो चैम्पियन की तरह खेल रहा हूँ रे। लेकिन मेरी माँ ने जब मुझे चेस बोर्ड अपनी तरफ से दिखाया, मैंने देखा मैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि हम जैसे शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, क्या उस व्यक्ति के अंदर ये एम्पथी है, ये सूझबूझ है कि वो आपके नज़रिए से लाइफ को देख सके और ये एक्सेप्ट कर सके कि हाँ मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। एक और जो वैल्यू सिस्टम है जो कि हमें देखना चाहिए वो है कि हमें इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं इसके अंदर, इस दुनिया के अंदर, जो कि परफेक्ट हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़कियाँ हों, कोई भी हो लड़का लड़की के अंदर। लेकिन हम कहें जी एब्सोल्यूटली परफेक्ट लड़का एंड एब्सोल्यूटली परफेक्ट लड़की, सर ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्रजाति एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए आप जिनके साथ विवाह करने वाले हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इम्परफेक्शंस होती हैं, क्या आप उन इम्परफेक्शंस को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए और सामने वाले से ही पूछना चाहिए। इसीलिए जब कभी आप नेगोशिएशन कर रहे हो, तो कभी भी अपनी कमियां छुपानी चाहिए। जी ये कमियां हैं, क्या आप इम्परफेक्शंस को स्वीकार करते हुए मैरिज करने के लिए तैयार हैं? दैट शुड बी देयर। साथ ही मैरिज के अंदर लोगों को लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी इज़ एवरीथिंग, लेकिन एक्चुअली फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी होना और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल इंटीमेसी होना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा वैवाहिक जीवन जिसके अंदर फिजिकल इंटीमेसी इज़ द फाउंडेशन, तो ना वो मैरिज बड़ी बचपने वाले लेवल पर रहती है। लेकिन अगर मैरिज को मैच्योरिटी के लेवल पर आना होगा, तो उसके अंदर इमोशनल इंटीमेसी, यानी कि दोनों को एक साथ बैठ कर गुफ्तगू करना, बातचीत करना, हार्ट शेयर करना, क्या इसके लिए वो पार्टनर तैयार है? एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअल इंटीमेसी, यानी कि जैसे भगवान का नाम लेना, तो साथ बैठ करके चैंटिंग करना, साथ बैठ करके प्रसाद पाना, साथ बैठ करके भगवद गीता पढ़ना, दिस इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तो क्या इसके लिए सामने वाला व्यक्ति तैयार है? अगर हाँ, देन सर्टनली दैट पर्सन इज वेरी गुड, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो एस्ट्रोलॉजी अक्सर देखी जाती है कि गुड़ मैच हो जाए। जी कितने गुड़ मैच हो रहे हैं? 28 गुड़ मैच हो रहे हैं, 36 में से 32 गुड़ मैच हो रहे हैं, 25 गुड़ मैच हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कभी कभी गुड़ मैच भी हुए लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई, डिवोर्स हो गया। ऐसा कैसे जी? क्योंकि ना गुड़ मैच होने के साथ साथ मन भी मैच करने चाहिए, और मन मैच करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। मेरा मन जो है मेरे स्पाउस के मन के साथ मिल जाए, और वो भी मेहनत करे कि वो अपने मन को लेकर के आए अपने हस्बैंड के नज़दीक लाने के लिए, हस्बैंड मेहनत करे अपने मन को वाइफ के नज़दीक लाने के लिए। क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर है कि वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है एज़ पर द स्पाउस, वेदर हस्बैंड और वाइफ? अगर हाँ, तो ही मन मैच हो पाएंगे जी। और मन मैच होना एस्ट्रोलॉजिकल मैच होने से ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए ये तो आपका प्रारब्ध है कि चलो आपके गुड़ मैच हो गए।
लेकिन साथ साथ मन को मैच कराने के लिए मेहनत करना ये बहुत ज़रूरी है मैरिज करने से पहले। तो इससे सामने वाले व्यक्ति में देखना चाहिए कि क्या वो मन मैच कराने के लिए तैयार है या सिर्फ तन मैच कराने में ही इंटरेस्टेड है। तन मैच कितने समय चलता है जी? 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 6 महीना, बहुत कोई पगलाइट व्यक्ति हुआ तो। पर अल्टीमेटली अगर हैप्पी मैरिड लाइफ चलती है तो वो चलती है मन मैच होने से, और मन मैच होते हैं व्हेन देयर इज मोर इमोशनल इंटीमेसी एंड देयर इज मोर स्पिरिचुअल इंटीमेसी अल्टीमेटली। सो दैट ब्रिंग्स मोर मैच्योरिटी इन द मैरिज। सो दिस इज व्हाट वी शुड सी इन द पार्टनर, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर एम्पथी है या नहीं है, उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना है नहीं है, क्या वो व्यक्ति सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी वाला व्यक्ति है या फिर इमोशनल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल इंटीमेसी की भी सोच है उस व्यक्ति के अंदर। अगर है देन सर्टनली यू कैन गो फॉर दिस मैरिज। हरे कृष्णा।